सोचा नहीं था कि इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनानी पड़ेगी। अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन चलो अब वीडियो बना रहे हैं तो बना देते हैं, अपना क्या जाता है। इस पोस्ट का मकसद ये जानना था कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में, और सभी ने अपने अपने ओपिनियन दिए और उसी हिसाब से मैं भी अब अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ये ओपिनियन अच्छा लगे या बुरा, बस इस वीडियो को आप इंजॉय कीजिए। ये वीडियो नॉर्मल वर्सेस वाली वीडियो की तरह नहीं होगी। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है या फिर कौन ज़्यादा पावरफुल है, और वीडियो के एंड तक हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर दोनों में कभी लड़ाई हुई तो जीतने के किसके ज़्यादा चांस हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, दोनों ही हीरो अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। देखा जाए तो जिन कोई सुपर हीरो नहीं है, और जिन के कई सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं, जिन कई तरह के होते हैं, जिनका पावर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबकी लिमिटेशन लगभग सेम ही रहती है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक वर्जन का मुकाबला करवाएंगे, जैसे कि एक साइड हम लेंगे डिज्नी का जिन और दूसरी साइड हम लेंगे अपना टीवी सीरियल वाला शक्तिमान। पहले तो दोनों के फंडे समझ लेते हैं। तो जैसा कि अलादीन की एनिमेटेड मूवी और अलादीन 2019 की मूवी में यह बात हमें मेंशन की गई थी कि जिन पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि इनके यूनिवर्स में सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो है जिन। आप जिन को हरा नहीं सकते, जिन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपको सिर्फ विश मांगनी है और वो चुटकी में उस विश को पूरी कर देगा। शेप शिफ्टिंग, रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, एनर्जी ब्लास्ट, फायर ब्लास्ट जैसी पावर्स तो उसके आगे छोटी हैं। वो कुछ भी चीज़ कर सकता है जो भी उसका आका मांगे, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकता, जो कि सिर्फ तीन हैं, जो कि हमने दोनों एनिमेटेड और मूवी में देखा है, जिसमें पहला है कि वो किसी को मार नहीं सकता, दूसरा किसी को किसी के साथ प्यार नहीं करवा सकता यानी कि फीलिंग नहीं चेंज कर सकता, और तीसरा कि वो मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी है वो सब कर सकता है, और जिन अपने लिए भी कुछ नहीं मांग सकता, इवन वो चिराग से बाहर भी नहीं आ सकता जब तक कि कोई उसका आका ना हो। तो क्या जिन के यूनिवर्स में जिन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। माना कि जिन ने कहा है कि वो पूरी कायनात में सबसे ताकतवर है, लेकिन कोई चीज़, कोई शक्ति ऐसी भी है जिसने जिन को बनाया, जिसने ये रूल तय किए कि ये चीज़ें छोड़ के बाकी सब जिन कर सकता है। जिन के पास इन्फिनाइट स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी है, वो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में बदल सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन को हराना नामुमकिन है। अब जब हमने जिन के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो अब थोड़ा सा शक्तिमान के बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई देखो, शक्तिमान एक नॉर्मल इंसान है जिसने अपनी पावर्स गेन की हैं कड़ी तपस्या से और मेहनत से, और जो शक्तिमान के पास पावर्स हैं वो उसे नेचर ने दी हैं, यानी कि उसके पास प्रकृति की धरोहर है, जैसा कि वो खुद कई बार कह चुका है कि ये पावर्स मेरी नहीं हैं, ये पावर्स प्रकृति ने मुझे प्रकृति की रक्षा करने के लिए दी है। शक्तिमान ने कड़ी तपस्या से पूरे 5 एलिमेंट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया है, और उसके अलावा उसके पास कुंडलिनी शक्तियाँ भी है। ये सब तो हमें पहले से पता है। अगर अब बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो शक्तिमान की लिमिटेशन है पाप मणि। तो पाप मणि ही एक लगता ऐसी चीज़ है जिससे शक्तिमान को हराया जा सकता है। देखिए, शक्तिमान एक बहुत ही अलग टाइप का सुपर हीरो है। इसको समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शक्तिमान को समझना इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शक्तिमान कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे कि प्रकृति को कोई नुकसान हो या उसका कोई नियम टूटे, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। लेकिन जब प्रकृति के ऊपर ऐसा संकट आ जाए जिसके लिए उसे नियम तोड़ना पड़े, तो वो कभी पीछे नहीं हटता, वो ज़रूर उस नियम को तोड़ेगा। तो इससे आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शक्तिमान नहीं कर सकता। उसकी सिर्फ यही लिमिटेशन है कि वो उस चीज़ को करना नहीं चाहता। आप खुद ही देख लीजिए ना कि उसने जब गीता को जिंदा कर दिया तो प्रकृति ने उससे सारी शक्तियाँ छीन ली, जिससे यह क्लियरली मेंशन हो गया था कि शक्तिमान कोई भी रूल को कभी भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन हमारा जीनी कभी किसी को जिंदा नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जीनी के लिए कुछ रूल हैं जो कि पहले से तय किए गए हैं। जिन सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करता है, और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, कई लोग सोचते हैं कि पाप मणि की आकर शक्तिमान इसलिए कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ छिन जाती हैं। तो देखिए, ये आधा सच है। आपको ये याद रखना चाहिए कि सीरियल में पाप मणि को इसलिए ऐड किया गया था ताकि शक्तिमान की कोई वीकनेस दिखाई जा सके, क्योंकि ऐसे सुपर हीरो को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा जिसकी कोई वीकनेस ही ना हो, और इसीलिए उसे पाप मणि की आके वीक दिखाया जाता था, जबकि रियलिटी में कोई भी पाप मणि वगैरह शक्तिमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अगर हम बात करें लॉजिक की, तो लॉजिक बिल्कुल साफ़ है कि पाप मणि
शक्तिमान को कुंडलिनी जागृत करने से रोकती है, जिसके कारण वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जिससे कि वो पाप मणि को बाईपास कर सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पाप मणि शक्तिपुंज का ही एक हिस्सा है, इसलिए वो हमेशा शक्तिपुंज के आगे घुटने टेकता है, ना कि पाप मणि के आगे। अगर वो चाहे तो वो पाप मणि के चिथड़े उड़ा सकता है, लेकिन अगेन वो कर सकता है लेकिन वो करेगा नहीं। और अगर बात करें हम इनके मुकाबले की, तो देखिए जिन कोई भी किसी भी तरह के रूल को नहीं मानता, आपको सिर्फ मांगना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो बिना ये सोचे कि ये चीज़ रियलिटी में हो सकती है या नहीं आपको दे देगा। तो अभी सुबह सुबह मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कमेंट पढ़ते पढ़ते एक मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट मिला हमारे सब्सक्राइबर का, जिसने लिखा था कि अगर शक्तिमान भी तथास्तु बोलता तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, जिन और शक्तिमान एक जैसे ही होते, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो लोग शक्तिमान को अच्छे तरीके से जानते हैं उनको पता होगा कि शक्तिमान की कुंडलिनी का जो विशुद्ध चक्र है वो शक्तिमान को किसी को भी वरदान और श्राप देने की क्षमता रखता है। यानी कि इससे ये बात साफ हो जाती है कि शक्तिमान किसी को भी वरदान देने की क्षमता रखता है, यानी कि जो काम जिन कर सकता है वो शक्तिमान भी कर सकता है। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले ही बता रखी है, शक्तिमान हमेशा उस पावर का तब यूज़ करेगा जब उसे लगेगा कि इस पावर का यूज़ करने का समय आ चुका है, वो कभी भी कोई भी प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाता। तो अगर हम लास्ट में बात करें दोनों की फ़ाइट की, तो देखिए पहली बात तो ये कि दोनों अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो अगर हम दोनों की अच्छे तरीके से फ़ाइट करवाने की सोचें तो दोनों को किसी तीसरे यूनिवर्स में लड़ाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों का लेवल एक जैसा हो सके। तो अब हम देखते हैं किसके पास कितने ज़्यादा हथियार हैं। तो पहली बात तो ये कि जिन शक्तिमान के साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि जिन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने चिराग घिसा और बोला कि जाओ शक्तिमान को हराओ, तो क्या होगा? तो देखिए उसके बाद उसने तबाही मचाना शुरू कर दी, शक्तिमान को बहाव लाया, उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो देखिए क्योंकि अब उसने तबाही मचा दी है और शक्तिमान ने उसका पावर लेवल देख लिया है, तो देखिए जो शक्तिमान के पास 5 एलिमेंट्स का कंट्रोल है, उन जगहों पे तो जिन शक्तिमान के साथ इतनी आसानी से नहीं लड़ सकता। तो देखिए जिन को कोई मार नहीं सकता, लेकिन सिर्फ अपने यूनिवर्स में, किसी और यूनिवर्स में जिन मरेगा भी और उसको चोट भी लगेगी। तो जिन यहाँ पे पाप मणि नहीं ला सकता, क्योंकि पाप मणि सिर्फ उतनी ही है जितनी किलविश के पास है, और वो किलविश से कैसे चुराएगा? अब किलविश किसी दुकान में बैठ के अंडे तो बेच नहीं रहा होगा, वो भी देखेगा कि मेरे पाप मणि कौन ले गया। और किलविश के यहाँ से पाप मणि चुराने का मतलब ये होगा कि चलते ट्रैफिक के ऊपर सड़क के बीच में जाकर बैठ जाना। तो मजाक की बात से हटकर अगर हम बात करें तो तीसरे यूनिवर्स में शक्तिमान के ऊपर पाप मणि का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस फाइट का कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष हम इस बात में ख़त्म करते हैं कि कौन रूल को अच्छी तरह से ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छे तरीके से मेंशन है कि जिन अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो रूल्स उसने खुद नहीं बनाए हैं, वो सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करता है जो कि अपने एनिमेटेड और 2019 की अलादीन मूवी में भी देखा होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जब उसने अलादीन को बचाया तो उसने रूल तोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ रूल को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसने अलादीन की विश को ही यूज़ करके उसे बचाया, जिसके लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस पर अलादीन के सिग्नेचर बनाए। अगर उसने रूल तोड़ा होता तो अलादीन को उसने खुद से बचाया होता बिना उसकी विश को इफेक्ट किए। तो इससे आप समझ सकते हैं जिन अपने इन तीन रूल्स को नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर हम बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान पे ऐसा कोई भी नियम नहीं है। शक्तिमान का नियम बिल्कुल ही सीधा है, हम तब तक नियमों को नहीं तोड़ते जब तक कोई हमें नियमों को तोड़ने को मजबूर ना करे। तो इस वीडियो के आखिर में हमें क्या पता चलता है कि दोनों ही बींग बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पावर्स वाइज देखा जाए तो शक्तिमान के पास जिन से ज़्यादा पावर्स है और वो उन पावर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा आपका क्या सोचना है कि शक्तिमान और जिन में कौन ज़्यादा बेहतर है, किसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, आपको क्या लगता है, उसको कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।